Care and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी उसके गैप के लगातार हम लोग थर्मल इंफ्रारेड थर्मामीटर है जिससे उनका तापमान लिया जा रहा है और तापमान कम होने की स्थिति में ही उनको अंदर भेजा जा रहा है और अंदर जाने के बाद भी हर एंट्री गेट पर बाकायदा हमारे पास साबुन और तौलिए का प्रबंध किया गया है और उसके कर्मचारी लगाए गए हैं जो उनका हाथ धुला रहे हैं और बिना हाथ तो धुले और बिना सैनिटाइज हुए कोई अंदर नहीं जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कंट्रोल रूम द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा इसका लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यदि आपको किसी भी तरह की सूखी खांसी आ रही हो या सर्दी जुकाम की शिकायत हो तो तत्काल वो कंट्रोल रूम से या मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनके स्क्रीनिंग के बाद उनको हम सीधा CMO साहब के पास यहाँ पर जो हमारा कबीर चौरा हॉस्पिटल है वहाँ पर क्वारंटाइन वार्ड बनाया गया है, हम उनको तत्काल वहाँ भेजेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ साथ पूरे मंदिर के कैंपस में हर 2 घंटे पर सभी टॉयलेट्स की सफाई की जा रही है और पूरे मंदिर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का घोल और हाइपोक्लोराइड लोशन इसका छिड़काव किया गया है और पूरी तरह से साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। अभी तक की जो स्क्रीनिंग और पूरे इस प्रयास में कोई भी कोरोना वायरस का केस मंदिर के आने दर्शनार्थियों के अंदर नहीं मिला है। आज इस विषय में एक बैठक भी की गई उच्चाधिकारियों द्वारा और जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो हमारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं जो यहाँ दर्शन करना चाहते हैं उनको वर्तमान में उस समय के लिए 31 मार्च तक हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको हम रोक पाएँ और उनको मंदिर में ना आने दें। साथ ही गर्भगृह में किसी भी प्रकार का प्रवेश बंद कर दिया गया है, गर्भगृह के अंदर केवल पुजारी ही रहेगा और जो दर्शनार्थी हैं वहाँ की दर्शन कर सकते हैं और अर्घ्य से अपना जल और पुष्प अर्पण कर सकते किया जा रहा है। मंदिर में आने वाले जो विदेशी नागरिक हैं जिनके संक्रमित हो सकने की संभावना ज़्यादा होती है उनको बंद कर दिया गया है। मंदिर में आने वाले बाकी श्रद्धालुओं को हम इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उनके बुखार की स्थिति चेक कर रहे हैं और अगर बुखार ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न दिखाई पड़ती है तो तत्काल क्वारंटाइन करने के लिए हम CMO को रेफ़र करते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो अंदर जा रहे हैं उनको भी दर्शन करने के पहले हैंड वॉश के द्वारा उनको हाथ धुलाया जा रहा है, तौलिया दी जा रहा है जिससे वो अंदर जाते समय स्वच्छ रहें और इसके साथ साथ हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा भी कंटिन्यूस प्रचार किया जा रहा है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और बिना हाथ धोए बिना सैनिटाइज हुए अंदर ना जाएं और किसी भी प्रकार से कोरोना का कोई भी सिम्टम अगर आपको महसूस होता है तो तत्काल आप मंदिर प्रशासन से संपर्क करें। हेल्प डेस्क पर भी इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाया गया है, वहाँ आने वाले सभी विजिटर्स को टिकट लेने से पहले ही हम इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक करके तभी अंदर जाने दे रहे हैं कि उसके अलावा उनको भी अंदर एंट्री नहीं है और अंदर हेल्प डेस्क के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा गया है। जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं टिकट लेने के बाद उनको बकायदा टिकट लेने के पहले उनको बकायदा हम लोग हैंड सैनिटाइजर से उनको भी सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क की व्यवस्था भी है लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हमने मास्क पहनने के लिए एडवाइस किया है। सार्थक सर्जिकल सेंटर जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। स्कॉलर्स वैली अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी, एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8।